हाय मेरे दोस्तों, चाय पी लो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय कविराज डेली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइस। तो मैं आप लोगों के साथ आज है जैसे ट्यूसडे, पहली चीज़ रेड रेड रेड, सब कुछ रेड आज, क्योंकि तो इसीलिए व्रत रखा है। एंड आप लोग भी रखना गाइस, अगर आप लोग रखते हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं रखते हो तो रखना शुरू कर दो, रखना शुरू क्या कर दो, जिसकी श्रद्धा है वो रख सकते हैं। अभी मैं चाय बना रही, चाय पी लेती हूँ फिलहाल के लिए। थोड़ी सी मैंने इतनी चाय बनाई है अपने लिए। ऐसा कुछ आज व्यू है हमारे यहाँ यार। मुझे ना आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी, एक सेकेंड मैं ना सेटअप पे था, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जैसे मैंने अभी आपको बाहर दिखाया है कि बाहर लगा है टेंशन, और उस टेंशन का हमें टीवी नहीं पता है कि बाहर क्या चल रहा है, जस्ट मेरे रूम के बाहर पे क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता है। और अगर मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ तो कहते हैं तुझे क्या करना है जान के, ये उनका रिप्लाई होता है, ठीक है, और उनको खुद भी नहीं पता होता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कितनी कितनी आर्मी फैमिलीज हैं जो मेरी तरह है, जिनका यहाँ मतलब मेरा खैर ऐसे कोई प्राउड की बात नहीं है कि जानती हूँ, मतलब पता है कि अच्छा ये है ये है ये है, बट थिंग इज़ कि मुझे कभी मतलब इतना मौका नहीं मिला है कि इनके साथ कभी बातचीत हो या फिर कभी कुछ हो। तो ना मैं बाहर जा पाती हूँ, थोड़ा बहुत काम ऐसा रहता है मेरा अंदर, और ऑफिस का काम होता है, और उसके बाद अपना खाना पीना बनाओ अपने तक ही सीमित रहती हूँ। और जो मतलब जिसमें मेरे हस्बैंड है उसमें ऐसा कोई भी फैमिली वेलफेयर होता ही नहीं है। आई डोंट नो मैं कौन से वाले आर्मी क्वार्टर्स में रह रही हूँ, बट आर्मी क्वार्टर्स सेम है, सब कुछ सेम है। बाहर जो मेरे बाहर रह रहे हैं उनके फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, वो आए दिन कहीं ना कहीं जाते रहते हैं साड़ी वगैरह पहन के, और एक मैं हूँ जो मैं बस खिड़की से देखते रहती हूँ कि यार ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और जो हमारी बिल्डिंग के लोग होते हैं वो कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं, क्योंकि उनका कुछ होता ही नहीं हम लोगों का। और टू कॉमेंट यार, जो जो आर्मी फैमिली वाले हैं और जो आर्मी क्वार्टर्स में रह रहे हैं, किन किन के साथ ये वाली चीज़ होती है और किसकी लाइफ थोड़ी बहुत मेरी तरह है कि कहीं कुछ नहीं है, बस एक संडे होता है, संडे हम लोग जाते हैं मूवी ऑडिटोरियम, और वहाँ पे बस थोड़ी बहुत मूवी देखते हैं, इन्जॉय करते हैं, वहाँ पे भी जाकर के पॉपकॉर्न खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दैट्स इट। वैसे सही है क्योंकि मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि मैं ज़्यादा बाहर जा कर के सोशलाइज हूँ, मतलब मैं एकदम से नहीं होती, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ तो बहुत चिल रहती हूँ बट बाहर मुझे जाने में शर्म आती है लिटरली, इसलिए मैं नाइट वॉक करती हूँ। अब देखते हैं कुछ होगा तो आर्मी क्वार्टर में या फिर आर्मी फैमिली मेम्बर्स में कुछ होगा तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी ज़रूर, और मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ कि यहाँ क्या होता है। यहाँ कुछ नहीं होता है, मतलब बस आया तो ठंडी की हवा खा रहे हैं, दैट्स इट, अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, बस दैट्स इट, यही है। और मैं फ्रेंड बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है चलो काम करते हैं। गाइस गाइस गाइस, आप बोलोगे यहाँ पे रिपीट टेलीकास्ट चल गया, नहीं, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, पहले मैंने बनाया था मैंगो शेक, अब मैं बना रही हूँ मैंगो लस्सी। अब मैंने क्या किया है,
मैंगो कट किया, उसमें मैंने दही डाल दिया और इसमें थोड़ा सा चीनी डलेगा, दैट्स इट, और ये ग्राइंड हो जाएगा, उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे, दैट्स इट, ईजी। अब मैं निकाल रही हूँ चीनी। हे पतिदेव, ग्रहण कीजिए। संडो में क्यों रहते हैं? फिर मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो बोलते हैं संडो में हूँ यार, जानबूझ के रहते हैं ताकि मैं इनका ब्लॉग ना बनाऊँ। सब पता है, सब पता है मुझे। हनी और मैं यहाँ पे खा रही हूँ दही केला। मैंगो शेक बनाओ, बनाना शेक में तो नहीं पड़ता ज़रूरत, मैंगो शेक में ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैंने हनी डाला है। हम लेंगे एक चम्मच घी। मैं यहाँ पे बना रही हूँ सो गाइज, इफ़ यू लाइक द व्लॉग प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट। आई नो आप लोग व्लॉग देख के जा रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़।